हेलो दोस्तों, तो फिर से मैं लेकर आया हूँ कोलकाता बिरयानी। तो दोस्तों ऐसा तरीका कोई भी अभी तक नहीं बताया होगा यूट्यूब पे। तो दोस्तों देखिए, चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैं पूरा बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले तो मेरे मामा ने चावल को भिगो लिया है। चावल को 2 घंटे तक भिगोने से क्या होता है, चावल बहुत ही अच्छा से उबलता है और बिरयानी उसका बहुत टेस्टी होता है। दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं, मामा ने यहाँ पे आलू छिलना स्टार्ट कर दिया। आलू छिलने के बाद दोस्तों इसे ठीक बिरयानी का साइज का जैसे कटिंग कर लीजिएगा। कटिंग करने के बाद देख सकते हैं इसको उबाला जा रहा है। उबालने के लिए दोस्तों इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च और फूड कलर नमक डालकर इसे गला लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं मामा यहाँ पे ले चुके हैं प्याज। प्याज को क्या है दोस्तों, प्याज बहुत ही बहुत अहम चीज़ है बिरयानी में, इसका ब्राउन बनाना जरूरी है, ब्राउन से ही बिरयानी का टेस्ट आता। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैं पतले पतले यहाँ पे ब्राउन का प्याज काट लिया जा रहा है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई में मामा तेल ले चुके हैं। लेने के बाद दोस्तों इसके अंदर ही वो ब्राउन को किया जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे कटे हुए प्याज को डाला जा रहा है। अब इसका ब्राउन रेडी कर लिया जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं मामा इसे कुछ टाइम लगा करके इसे ठीक तरीके से ब्राउन कर लेते हैं। वाह, देख सकते हैं दोस्तों क्या मेहनत जोरों से चल रहा है। कुछ टाइम बाद यहाँ पे ब्राउन रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। नहीं किसने भाई, ये अपना ब्राउन तो हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मामा ब्राउन को, एक चीज़ है भाई, ब्राउन को बढ़िया से फैला लेना क्योंकि तेल ना छोड़े। उसके बाद दोस्तों चिकन में पानी ले चुके हैं मामा, इस चिकन को बढ़िया से धो लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ चिकन धो लिया जा रहा है। धोने के बाद दोस्तों इसमें भी कुछ मटेरियल डालना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं सबसे पहले तो लाल मिर्च का पाउडर डालता हुआ दिख रहा है। उसके बाद नमक दिख रहा है, ये फूड का कलर दिख रहा है दोस्तों। ये सारे मसाले डालने के बाद दोस्तों इसे ठीक से मिक्स कर लिया जा रहा है। मिक्स करने के बाद दोस्तों इसे जो जिस तेल में ब्राउन किया गया था उसी तेल में इस चिकन को भी फ्राई कर लिया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे चिकन को फ्राई कर लिया जा रहा है। दोस्तों कम से कम इसमें 5-6 मिनट तो चिकन को फ्राई आपको कर लेना, ताकि अंदर में कोई ब्लड व्लड ना रह जाए। दोस्तों देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत ही फर्स्ट क्लास यह हो चुका। तो उसके बाद दोस्तों इसमें हम अदरक लहसुन को पहले भून लेंगे, पीस लेंगे, सॉरी अदरक लहसुन को पीसने के बाद दोस्तों इसे मटन में डाल देंगे। मटन में डालने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्राउन जो किया हुआ था उसे भी पीस लिया गया है, ब्राउन को भी डाल दिया जा रहा है। उसके बाद इसमें लौंग इलायची भी डाला गया है। उसके बाद इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला गया, दही डाला गया है, नमक डाला गया है। दोस्तों इस सारी चीज़ को डालने के बाद इसमें वही तेल जब ब्राउन और चिकन को फ्राई किया गया था वही तेल इसमें डालकर इसे भून लिया जा रहा है मटन को। तो दोस्तों यहाँ मटन को भूजा जा रहा है ठीक तरीके से। साथ में देख सकते हैं हमारा मटन जो है भूज के ठीक तरीके से रेडी हो चुका मसाले के साथ। दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे मामा, कि इसमें पानी डाल देंगे। दोस्तों जितना खाड़ी बिरयानी आप बनाते होते ही पानी आप डालेंगे मसाले के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों दूध को एक तरफ गर्म कर लिया जा रहा है खाड़ी में, देख सकते हैं दूध को भी गर्म कर लिया गया है। उसके बाद चावल को उबालने के लिए दोस्तों एक पतीले में पानी चढ़ा दिया जाएगा। पानी में दोस्तों नमक डाल दिया जाएगा। उसके बाद इसमें लौंग इलायची दालचीनी भी डाल दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद एक तरफ देख सकते हैं हाड़ी में आलू को बैठाया जा रहा है। देखिए दोस्तों आप ठीक तरीके से बनाइएगा तो बढ़िया बिरयानी बनेगा। दोस्तों देख सकते हैं एक तरफ में पूरा आलू को बैठा दिया गया। उसके बाद देख सकते हैं कि एक एक करके साइड में अच्छे से चिकन को सरिया सरिया के डाला जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों चिकन और मटन को पूरा ठीक तरीके से बैठा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं वो जो मसाला मटन का पानी का घोल रेडी हो चुका, उसके दूध में हम ले लेंगे। इसे 6 किलो बिरयानी बना रहा है तो दोस्तों 2 डब्बू हम इसमें मसाला को ले लेंगे। देख सकते हैं उसे छान कर ठीक तरीके से आप दूध में ले लिए दोस्तों। उसके बाद इसमें हम नमक डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, उसके बाद इसमें केवड़ा जल डाल देंगे, गुलाब जल डाल देंगे, बिरयानी का मसाला डाल देंगे, नींबू डाल देंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ डालने के बाद दोस्तों इसमें मीठा अतर भी डालेंगे और बिरयानी का फ्लेवर भी डालेंगे दोस्तों। उसके बाद इसमें घी भी डाल देंगे दोस्तों, देसी घी मिलता है हमारे यहाँ जो, वही देसी घी डाल देंगे। वो सारे मिक्स करने के बाद दोस्तों इसे सारे चिकन और मटन के पीस पर डाल देंगे हम। उसे डालने के बाद दोस्तों फिर से सूखा हुआ जो ब्राउन होता है वो ब्राउन को डाल देंगे। ब्राउन को डालने के बाद दोस्तों इस पर
हम थोड़ा बिरयानी का मसाला भी डाल देंगे, मावा डाल देंगे, उसके बाद दोस्तों हम इसमें गर्म पानी में चावल को छोड़ देंगे। तो चावल हमने 2 घंटा पहले ही भिगोने के लिए डाला था, उसे डाल देंगे। डालने के बाद दोस्तों इसे देख सकते हैं, चावल को हम इसमें पका लिए गए। चावल पसाने के बाद दोस्तों ठीक से पसाने के बाद दोस्तों इस पर हम रिफाइन का तेल मार देंगे, वही रिफाइन का तेल मारेंगे जिसपे चिकन और ब्राउन को किया गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर हम कुछ मटेरियल्स डालेंगे जिसका नाम है सूखा हुआ ब्राउन और केसर का फूड कलर। दोस्तों ये सब मारने के बाद इस पर लाल कपड़ा रखकर ढक्कन रखकर उसको दम लगा लेंगे। दोस्तों दम लगाने के लिए दोस्तों इसमें टाइम देना होगा आपको 25 से 30 मिनट, तब आपका बिरयानी टेस्टी और बढ़िया होता है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा 20 से 25 मिनट 30 मिनट हो चुका है, तो देख सकते हैं हमारा बिरयानी बनके रेडी हो चुका है, कितना बेहतरीन और बढ़िया बिरयानी हुआ। दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।